हाय गाइज़ वेलकम बैक टू कार्स क्लोसेट आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड न्यू मारुति सुजुकी सेलेरियो जेड एक्स आई प्लस वेरियंट के बारे में जो कि इसका टॉप एंड वेरियंट है क्विकली गाइज़ अगर हम इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलेम्प्स दिए गए इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है अगर हम इसकी ग्रिल के बारे में बात करें गाइज तो आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है मारुति का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको इसके फोग लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि हेलोजन में इसमें प्रोवाइड किए गए हैं आप चेकआउट कर सकते हैं अगर हम इसके साइड के बारे में बात करते हैं गाइज़ तो आप यहाँ इसके टायर्स देख सकते हैं अगर हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो वन सेवनटी फाइव सिक्सटी आर फिफ्टीन यानी कि आपको इसमें 15 इंच के व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अलोई व्हील्स के साथ में इसमें प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइड टर्न व्यू इंडिकेटर्स को ओ में इंटीग्रेटेड किया गया है यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर आपको इसके नॉर्मल एंटीने की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है आप चेकआउट कर सकते हैं अगर हम इसके रियर के बारे में बात करें गाइस तो आपको नॉर्मल हेलोजन टेल लेम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है ये कुछ आप इसके रियर वाइपर एंड डी फोगर्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉशर का ऑप्शन दिया गया है हाई माउंटेड की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है मारुति का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सेलेरियो की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है टू रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को यहाँ पे स्मार्टली प्लेस किया गया है अगर कहीं हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन दिया गया है इसको ओपन करने के लिए जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है अगर हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करें गाइस तो थ्री वन थ्री लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलता है अगर हम इसके स्पेयर टायर के बारे में बात करें तो एक साइज़ कम का आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि स्टील रिम के साथ में इसमें दिया गया है आपको यहाँ पर आप पार्सल ट्रे भी दी गई है जिसको आप इजीली डिटेच कर पाएंगे रियर सीट्स को आप 60-40 रेशो में स्प्लिट भी कर सकते हैं गाइज़ जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फ़ीचर हो जाता है उससे आप अपने बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं अगर कहीं हम इसके की के बारे में बात करें तो लोक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और कुछ इस तरीके की बेसिक की आपको इसमें देखने के लिए मिलती है क्विकली गाड़ी को अनलॉक करते हैं आप यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर बटन की मदद से भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं अगर कहीं से हम इसके राइट डोर के बारे में बात करते हैं तो डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है वन लीटर बोटल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है मैगजीन होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है स्पीकर वेंट की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पे दिया गया है ऑटो इंजन ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है साइड टर्न व्यू मिरर्स को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं आप चेकआउट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है थ्री पेडल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं अगर कहीं से हम इसके स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग इस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप सिल्वर एक्सेंट दी गई है जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव लग रही है अगर हम स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ट्रैक चेंज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है म्यूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है फोन पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है वॉइस कमांड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मारुति का ब्रॉड लोगो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं ये कुछ आप इसका मीटर कंट्रोल देख सकते हैं जिसमें आप काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है मैनेज कर सकते हैं जैसे कि डिस्टेंस टू एम ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें गाइस तो सेवन इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है आप चेकआउट कर सकते हैं हेज़र्ट लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ये कुछ आप इसका मैनुअल एसी देख सकते हैं गाइज़ जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं 12 वोल्ट के पावर अडेप्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यू एस बी एंड ओक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दी गई है सामान रखने के लिए टू कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये कुछ आप इसके गेयर नोप देख सकते हैं गाइज जिसपे प्यनो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट भी दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये कुछ आप इसका हैंड ब्रेक देख सकते हैं गाइज अगर हम इसकी सीट्स के बारे में बात करें गाइज तो आपको फेब्रिक सीट्स इसमें देखने के लिए मिलती है इसमें आपको साइड एंड बॉक्सिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं आपको यहां पे, का दिया गया है। यहां पे आपको माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है है पे पे टू लाइट का ऑप्शन आपको आपको दिया गया टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें आपको मेनुअली एडजस्टेबल ओआर दिया गया है अगर कहीं हम इसके रियर के बारे में बात करते हैं तो डोर ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रह बैंडल यहाँ पे दिया गया है वन लीटर बोटल होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है मैगजीन होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है स्पीकर वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं अगर गाइज हम इसके रियर से डैशबोर्ड की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम लगता है आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें सिल्वर एक्सेंट दी गई है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लग रही है अगर हम इसके रियर सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें गाइस तो मेरी हाइट सिक्स फीट है एंड फ्रंट सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है उसके बाद आपको कुछ इतना मैसिव स्पेस देखने के लिए मिल जाता है आप चेकआउट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें तो रियर विंडो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो कि काफ़ी ओढ़ जगह पे प्लेस किया गया है आपको इसमें चारों ही फिक्स हैड्रेस दिए गए हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं अगर कैसे हम इसके डायमेंशनस के बारे में बात करते हैं तो थ्री सिक्स नाइन फाइव एम एम लेंथ वन सिक्स डबल फाइव एम एम विड्थ वन ट्रिपल फाइव एम एम हाइट टू फोर थ्री फाइव एम एम आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिलता है ये कुछ आप इसका वन सेवेंटी एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं दिस इज ओल्ड एंड अबाउट मारुति सुजुकी सेलेरियो जेड एक्साई प्लस वेरियंट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू